आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question given is an officer was appointed on maximum daily wages on contract money of ₹4956, but on being absent for some days he was paid ₹3894. For how many days was he absent? तो अगर हम देखें कि 495 हमें हम मान लेते हैं कि डेली मैक्सिमम डेली पर वेज डेली वेज सॉरी मैक्सिमम वेजेस डेली पर मैक्सिमम वेजेस पर डे अगर हम देखें इसको हम ले लेते हैं रुपीस एक्स तो अगर हम देखें कि 4956 एंड 3894 बोथ शुड बी मल्टीपल्स बोथ शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स क्योंकि ये सैलरी है मतलब पर डे के अकॉर्डिंग तो अगर हम एक इंटीजर वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा इंटीजर देगा दैट मीन्स एक्स कितना हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 4956 एंड 3894 क्यों क्योंकि मैक्सिमम तो एच सी एफ ही दे सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तो 4956 के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू इंटू 3 इंटू इंटू 7 इंटू 59 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 59 अब 3894 अगर हम देखें ये हो जाएगा 2 इंटू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 59 तो अगर हम यहाँ से देखें एच सी एफ कितना हो गया कि 2 इंटू 3 इंटू 59 दैट इज़ अगर देखें 2 इंटू 3 इंटू 59 तो ये होता है 354 के इक्वल ठीक है अब हम अगर देखते हैं तो 354 इंटू 14 तो 354 इंटू 14 इज इक्वल टू 4956 एंड 354 इंटू 11 इज इक्वल टू 3894 मतलब ये कब है तो मैक्सिमम डेज उसे करने थे 14 बट उसने किए कितने वर्कड फॉर 11 डेज तो एबसेंट कितने दिन रहा वो कि मैक्सिमम 14 में से 11 डेज उसने काम किया तो 3 डेज एबसेंट हो गया सो दिस इज आवर आंसर That is option A is the correct solution. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर